एग्जाम्पल। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आई अपोलोजाइज फॉर दैट कि कल वीडियो नहीं आ पाया, देयर इज सम टेक्निकल इशू, दैट्स व्हाई वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दैट एंड दैट आल्सो आई हैव टू अनाउंस अ विनर ऑफ क्विज फाइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जल्दी से हम पहले क्विज फाइट के विनर्स का नाम अनाउंस करते हैं, एंड उससे पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। प्लीज गाइस अगर आप शेयर करते हैं, अगर एटलीस्ट आप दो लोगों को भी शेयर करेंगे तो आई थिंक उनका कुछ भला होगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे अगर वो घर बैठे कुछ सीख सकता है तो उसमें वो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देगा। तो आई थिंक आप ये जरूर करेंगे एंड आई ऑल्सो थिंक दैट आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। सो इसी के साथ कीप वॉचिंग और वीडियो को शेयर भी करते हैं, लाइक करें, शेयर करें, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अनाउंस द विनर ऑफ क्विज फाइव। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि पहली बार जीते हैं क्विज में, द 20 आउट ऑफ 20 आउट लाइक अंकित शर्मा। अंकित शर्मा ने स्कोर किया है 20 आउट ऑफ 20। नेक्स्ट वन इज कोमल गुप्ता, सी स्कोर 19 आउट ऑफ 20। नेक्स्ट वन इज ब्रजेश, ही स्कोर 17। सो कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, कीप ट्राइंग। एंड इस बार मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ हूँ क्योंकि बहुत कम लोगों ने क्विज में पार्टिसिपेट किया। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स आई थी जिस दिन मैंने क्विज अपलोड किया था, क्योंकि मुझे टाइम का सीन सिनेरियो लगाना था कि आपका टाइम लगेगा, कि हाँ आपको टाइम लिमिट लगाई जाएगी, बट वो टाइम लिमिट के कारण कुछ वीडियो में प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो मैंने टाइम लिमिट हटा दी, लेकिन फिर भी क्विज में बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो प्लीज गाइस जस्ट पार्टिसिपेट ऑन द क्विज, इससे आप थोड़ा रिवीजन कर पाएंगे और बहुत सारी नई चीजें सीखेंगे। और जो भी नए लोग हैं वो वीडियो को स्टार्टिंग से देखें, कुछ पुराने जो पार्ट्स हैं आप ये वीडियो भी देखें तो आपको हर वीडियो पिछले वीडियो से इंटरकनेक्टेड होगा। बट अगर आप पुराने वीडियो देख रहे हैं, अगर उसमें क्विज है तो वो क्विज आप भी अभी भी नए लोग चाहते तो उस क्विज को ओपन करें, मैं उनका रिस्पॉन्स चेक करता रहता हूं। अगर कोई भी पर्सन नया आता है तो प्लीज जस्ट चेक, कुछ 5 क्विज हो चुके हैं तो आप किसी भी क्विज में जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो। और पूरा और क्विज तभी करें जब आप उससे पहले रिलेटेड उसके पिछले वीडियो देख चुके हो, तभी आपको क्विज में ज्यादा मजा आएगा। तो आज हम बात करते हैं, मैंने बोला था कि आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलूंगा। जी हाँ, और ये इंग्लिश का सबसे बेसिक चीज है, बिकॉज दैट इसमें बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है। इंग्लिश में सबसे पहले चीजें आती है ब्लड रिलेशनशिप। जी हाँ, रिलेशनशिप्स एंड सेरेमनीज, बहुत सारे लोग होते हैं उनको ये नहीं पता होता है इस सेरेमनी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इस रिलेशनशिप को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम उसके बारे में बात करेंगे। और मैं ये भी बोलता हूं, मैंने हर बार आपको बोला कि किस तरीके से कि मैंने चीजें कैसे आइडेंटिफाई करी, कैसे मैंने इन चीजों को सीखा। ऑब्वियसली बात है, कुछ चीजें मैंने फाइंड आउट की, कुछ चीजें मुझे सिखाई गई, मैंने कहीं से फाइंड आउट की है, बट आप भी ये चीजें कर सकते हैं। जैसे आप कुछ भी चीज, मैंने बोला कि अपना विजन, अपना एक ऑब्जर्व चेंज कर दीजिए, आप कुछ भी देखते हैं उसको इंग्लिश में देखना स्टार्ट करिए, एवरीथिंग इज ऑल्सो गोइंग टू लुक एट दैट इंग्लिश एंड यू विल बी अ काइंड ऑफ दैट पर्सन। आप हर चीज सीख जाएंगे और आपको हर चीज इंग्लिश में जब दिखेगी तो आप ऑटोमेटिक उस चीज को याद रखने की कोशिश करेंगे। तो हर चीज को इंग्लिश में देखने की कोशिश करें, जैसे मैंने देखना स्टार्ट किया। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ जो कि है ब्लड रिलेशनशिप, और मैंने पहले से लिख रखा है ताकि हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, हम जल्दी से सीख जाए। तो ठीक है, आज हम बात करते हैं ब्लड रिलेशनशिप। तो हमारा ब्लड रिलेशनशिप अगर हम बात करें तो कहां स्टार्ट होता है, जी हमारे घर के जो मेन मुखिया होते हैं वो होते हैं दादाजी, और इससे पहले भी होते हैं परदादा जिनको आप कहते हैं, तो उनको कहते हैं ग्रेट ग्रैंडफादर। जी हाँ, अगर परदादाजी हैं तो उनको कहा जाता है ग्रेट ग्रैंडफादर। नेक्स्ट वन, अगर आपके दादा या नाना है तो उनको ग्रैंडफादर ही कहा जाता है, पर कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं। देखिए, मैं आपको बहुत सिंपल सा पैटर्न बताया था, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस रख रखा है। अगर आप देखते हैं कि अगर आपके मदर से रिलेट करता है तो वहां पर आपका एक वर्ड यूज होता है मैटरनल, और अगर फादर से रिलेट करता है दैट इज कॉल्ड पैटर्नल। अब बहुत से लोग भूल जाते हैं कि सर कौन सा रिलेट करते हैं, कि आप P for papa and M for mama, यानी कि मम्मी। सिंपल, अब आपको इससे याद रहेगा कि maternal use होता है मम्मी के रिलेशन की, जो मम्मी की तरफ से होंगे, तो maternal grandfather यानी कि नाना जी, paternal grandfather यानी कि दादाजी। वैसे आप सिंपल ही रखते दादा नाना, आपको इससे याद रहेगा। नेक्स्ट वन आता है दादी और नानी, अब इनको हम क्या कहते हैं, ग्रैंड मदर। पैटर्नल मैटर्नल उसका सीन समझ चुके हैं, बट दादी और नानी को एक वर्ड और कहा जाता है ग्रैनी। जी हाँ, ध्यान रखें ये सिर्फ दादी और नानी के लिए होता, दादा नाना के ग्रैना वर्ड ना लगाएं, वो एक्चुअली नहीं रिलेट करता। तो ग्रैनी वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ग्रैनी, शी इज माय ग्रैनी, तो यू कैन यूज दैट। नेक्स्ट वन आता है आपका, इसमें बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है, आज मैं बताऊं लाइक लोग इतने एजुकेटेड है बट फिर भी इन सब वर्ड्स में कंफ्यूजन होता है। फर्स्ट वन इज भांजा और भतीजा। पहली बात मैं बता दूं भांजा और भतीजा होता क्या है। भांजा इज अगर आप लाइक सपोज इन माय केस, अगर मेरी सिस्टर का जो सन होगा
ही कॉल माई भांजा, और अगर मेरे बड़े भाई का जो बेटा होगा या मेरे छोटे भाई का बेटा होगा, दैट इज कॉल्ड भतीजा एंड इज एन इंग्लिश कॉल्ड द नेफ्यू, ही इज माई नेफ्यू, भांजा या भतीजा। नेक्स्ट वन भांजी और भतीजी, सेम अगर कोई गर्ल है तो उसके लिए, या फिर अगर आप हैं तो अगर मेरी भांजी या भतीजी है तो अगर मेरे भाई से भाई या बहन की बेटी तो उसको हम कहेंगे। इसको बोलने का प्रोनाउंसिएशन बहुत इजी है, इसको थोड़ा लंबा प्रोनाउंस करेंगे, इसको बोलते हैं नीस। बहुत लोग नेस पढ़ते हैं, नेस नहीं होता, दैट्स प्रोनाउंसिएशन इज नीस। एस का साउंड होता है सी का, नहीं नीस नहीं होता है, नीस। ठीक है, तो नीस इज कॉल्ड भांजी या भतीजी। नेक्स्ट वन आता है, जी हाँ, अब देखिए एक नया वर्ड है, आप रिश्तेदार को क्या कहते हैं? मोस्टली दैट यू आर जस्ट कॉलिंग रिलेटिव, कुछ लोग रिलेटिव पढ़ते, रिलेटिव नहीं होता, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव्स, रिलेटिव्स और रिश्तेदार, बट ये आउटडेटेड वर्ड है, इसको छोड़िए। नेक्स्ट वर्ड इज कॉल्ड किन, दे ऑल आर माय किन्स, आई यस्टरडे आई टॉक टू माय लाइक किन ऑफ माय फादर ऑफ माय मदर, लाइक आई एम आल्सो दे आर माय किन एंड आई टॉक टू यस्टरडे, सो यू कैन यूज दैट किन। और एक होता है दूर के रिश्तेदार, कहते हैं ना कि एक मूवी देखी थी मैंने कि मुंह बोला भाई मुझे मुंह नहीं लगा था, और दूर का रिश्तेदार कभी पास नहीं आता, तो दूर का रिश्तेदार इज कॉल्ड डिस्टेंट किन। जी हाँ, डिस्टेंट रिलेटिव ना लगा के डिस्टेंट किन। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड, एक आता है जिसने मुंह बोला भाई, और इसको एक और वर्ड भी बोलते हैं सौतेला भाई। सौतेला भाई आपने एक नया वर्ड, पुराना वर्ड होगा स्टेप ब्रदर, उसकी जगह पर आप यूज करें फोस्टर ब्रदर। जी हाँ, फोस्टर ब्रदर, FOST या फोस्टर ब्रदर, मुंह बोला भाई या सौतेला भाई। नेक्स्ट वन आता है, अब देखिए इसमें हिंदी में कितनी कंफ्यूजन है, इंग्लिश में सिंपल चाचा फूफा मामा ताया ता, और आपके जो मौसा जी होते हैं उन सबको हम क्या कहते हैं, एक ही वर्ड से प्रनाउंस करते हैं अंकल। एंड इफ दैट मौसी चाची एंड मामी बुआ, दैट इज कॉल्ड आंटी। अब अगर आपको फॉरेन कंट्री में, अगर आप सबको बताएंगे कि दे ऑल आर माय आंटी, दे ऑल आर माय अंकल्स, अब कैसे बताएंगे? सिंपल, आप उनको बता सकते, अब रिलेशन आपको समझाना पड़ेगा टू मेक हिम अंडरस्टैंड। हाउ? दैट सिंपल, अगर मान लीजिए वो आपके ताऊ जी हैं और ही इज ऑल्सो योर अंकल, और एक तरफ आपके मामा जी ही इज ऑल्सो योर अंकल, तो आप किस तरीके से बोलेंगे? ही इज माई फादर्स एल्डर ब्रदर एंड ही इज माई मदर्स ब्रदर, ही इज माई मदर्स यंगर ब्रदर और एल्डर ब्रदर, यू कैन से, तो ये मेरे मामा जी और ये मेरे ताऊ जी। गॉट इट? तो आप इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट अगर सिंपल आप उसके साथ एस का यूज करके, अपोस्ट्रोफी एस का यूज करके, कि उनकी बहन या उनका भाई, इस तरीके से बता सकते हैं। नेक्स्ट वन इज भाई बहन, भाई बहन, देखिए दो मैंने देख रखा है, एक भाई बहन भाई बहन, एक होता है चचेरे मामे चाचा ताऊ मामा मौसी के भाई बहन, उनको भी भाई बहन कहते हैं, और एक भाई बहन होता है जो आपके रियल ब्रदर और रियल सिस्टर होते हैं, उनको हम कहते हैं सिबलिंग्स। न्यू वर्ड है सिबलिंग्स, दैट हाउ मेनी सिबलिंग्स यू हैव। अगर आप सिबलिंग्स को बताते हैं कि मान लीजिए अगर आपसे पूछा आपके कितने सिबलिंग्स हैं, तो आप बताएंगे सिबलिंग्स के बारे में बताने, तो आप उसमें इंक्लूड नहीं होते, आप बताते देयर आर टू सिबलिंग्स ऑफ माइन, यानी कि दो मेरे भाई बहन, अगर आप उसमें हटे हुए हैं, तीन सिबलिंग नहीं, आप हटे क्योंकि आपके भाई बहन, तो आप उसमें ऑटोमेटिक इंक्लूड हैं, आप उससे पूछेंगे दो सिबलिंग यानी कि तीन लोग हो गए, सो यू कैन जस्ट गो फॉर दैट। नेक्स्ट वन आता है भाई बहन, अब इसमें देखिए बोलते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं ही इज माई कजिन ब्रदर, सी इज माई कजिन सिस्टर, एक्चुअली एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट, कभी भी ही इज माई कजन ब्रदर, सी इज माई कजन सिस्टर नहीं बोलते आप, सिंपली बोले अगर आपने ही और शी लगाया है तो ऑटोमेटिक जेंडर का हमें पता चल रहा है, तो आप सीधा बोल दें ही इज माई कजन, सी इज माई कजन। ओके, तो ही इज माई कजन, सी इज माई, दे ऑल आर माई कजन, दे ऑल आर माई कजन, सो यू कैन सिंपली, और अगर आपको ये थोड़ा टफ लगता है, याद नहीं रहता, सिंपली ही इज माई हाफ ब्रदर, ही इज माई हाफ सिस्टर, ये भी यूनिक वर्ड है, आप सीधा बोलते ही इज माई हाफ ब्रदर एंड सी इज माई हाफ सिस्टर। ओके, हाँ, अब नेक्स्ट आते हैं, देखिए मैंने सेरेमनीज के बारे में बताया और कुछ रिलेशन भी हैं, जैसे आप जानते हैं बहुत सारे ससुराल, ससुराल, ससुराल शुरू होता है, ससुराल को हम बोलते हैं जी हाँ दैट माय इन-लॉज हाउस, फिर ससुराल अगर गए हैं तो ससुराल कैसे बनती है, तो उसके लिए आपको शादी करनी पड़ती है, शादी करेंगे तो आपको क्या बनना पड़ेगा, जी हाँ दूल्हा, तो दूल्हे को हम कहते हैं ग्रूम, जी हाँ ग्रूम वर्ड मीन्स होता है दूल्हा, दुल्हन इज कॉल्ड ब्राइड, कॉमन वर्ड आप लोगों को पता होगा, इसे मैं ज्यादा इस पे फोकस नहीं करूंगा। फिर एक आता है दुल्हन की सहेलियां, जी हाँ ये लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छा वर्ड होगा, बट एक्चुअली देयर इज अ वर्ड ब्राइड्स मेड, जी हाँ मेड मींस वही आप जो सही सोच रहे हैं नौकरानी वाला, बट उस दिन क्या होता है दुल्हन एक तरीके की रानी होती है, तो उसके आसपास जो उसकी सहेलियां होती है वो एक्चुअली उसकी ब्राइड्स मेड, डोंट माइंड ये एक्चुअली वर्ड है, दैट इज कॉल्ड ब्राइड्स मेड, दुल्हन की सहेलियों को कहा जाता है। नेक्स्ट वन दौर, हाँ कुछ लोग सोच रहे होंगे कि दूल्हे के फ्रेंड्स के लिए कोई वर्ड नहीं होता, दे ऑल गेट ग्रूम्स फ्रेंड, सिंपल बोला जाता है। नेक्स्ट वन बारात, देखिए इसमें एक वर्ड यूज हुआ है, बहुत से लोग कहेंगे प्रोसेशन मींस तो जुलूस होता है, जी हाँ आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इसका मीन जुलूस ही होता है,
बारात भी एक तरीके का जुलूस ही होता है। अगर मैं देखा होगा जब कहीं बारात निकलती है, अगर आप किसी रूरल एरिया में जाए और वहां देखें तो किस तरीके से बारात निकलती है, तो वो भी एक जुलूस ही टाइप का होता है। तो दैट इज कॉल्ड मैरिज प्रोसेशन कहलाता है बारात। बारात मतलब कि बारात का जुलूस, मैरिज प्रोसेशन इज कॉल्ड बारात। नेक्स्ट वन आता है बाराती, बारात बिना बाराती का अधूरी, तो बाराती इज कॉल्ड ग्रूम्स पार्टी। जी हाँ, ग्रूम यानी कि ग्रूम की तरफ से, दूल्हे की तरफ से, दैट इज कॉल्ड बाराती। नेक्स्ट आता है जनाती, यानी कि लड़की वालों की तरफ से, इसको जनाती कहते हैं। बहुत से लोगों को वर्ड नहीं पता होगा बाराती और जनाती। जनाती इज कॉल्ड ब्राइड्स पार्टी। नेक्स्ट वन आता है बहुत से लोग सगाई, सगाई को कहते हैं एंगेजमेंट। एक्चुअली एंगेजमेंट इज आउटडेटेड वर्ड, कि एंगेजमेंट है मेरी नहीं, आप यूज करें रिंग सेरेमनी। टुडे आई एम जस्ट गोइंग फॉर माय रिंग सेरेमनी, टुडे इज माय ब्रदर्स रिंग सेरेमनी एंड यू ऑल आर वेलकम एंड यू ऑल आर इनवाइटेड फॉर द पार्टी। सो दैट सिंपल, रिंग सेरेमनी बोली, ये अच्छा लगता है, रिंग सेरेमनी। ओके, नेक्स्ट वन आता है गोद भराई। गोद भराई मैंने देखा वर्ड क्यों लिखा है, एक्चुअली गोद भराई रियल जो वर्ड है, ऐसा कोई गोद भराई का वर्ड ही नहीं। जो लोग एंगेजमेंट में गोद भराई करते हैं वो कोई एक वर्ड ही नहीं है। गोद भराई होती है आफ्टर, जब शादी होने के बाद, उसके बाद जब लड़की प्रेग्नेंट होती है तो वो जो गोद भराई होती है। इसीलिए इसका इंग्लिश में वर्ड भी है, आपने बहुत सीरियल्स में भी सुना होगा। टुडे इज माय आंटीज बेबी शारिंग सेरेमनी, टुडे इज माय सिस्टर बेबी शारिंग। उसको बेबी शारिंग कहते हैं, शारिंग, शावर नहीं कहेंगे, शारिंग, शारिंग सेरेमनी, बेबी शारिंग सेरेमनी। सिंपल, शार वही वाला होता है, फव्वारे वाला, एज सिंपल आप जो सोच रहे हैं, बेबी शारिंग सेरेमनी, इसको बोलते हैं गोद भराई। एंगेजमेंट के टाइम पे जो गोद भराई थी वो गोद भराई नहीं होती, वो एक से कस्टम है, रिचुअल है, आई डोंट नो अबाउट दैट, व्हाट इज द मीन ऑफ दैट, बट हाँ ये गोद भराई वही होती है, ये रियल गोद भराई, तो इसको कहते हैं बेबी शारिंग सेरेमनी। नेक्स्ट वन आता है, जी हाँ, ये अब ये हम लोग भी मनाते हैं, इसको रिसेप्शन कहते हैं। एक्चुअली दैट इज सेलिब्रेटिंग मुस्लिम, जो मुस्लिम लोग एक्चुअली दे आर वेरी स्मार्ट। वो लोग क्या करते हैं, पहले शादी करते हैं, फिर इसके बाद पूरा खर्चा रिसेप्शन पे करते हैं, जिसको कहते हैं वलीमा। एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू कॉपी दैट। अब हम लोग भी करने लगे, एक्चुअली वी आर भाई भाई, तो हम लोग कैसे सोचते हैं कि वो कैसे रहे, तो हम लोग भी करते हैं। सो दैट वी आर जस्ट डूइंग ऑल्सो सेलिब्रेट द रिसेप्शन सेरेमनी, दैट इज कॉल्ड वलीमा। नेक्स्ट आता है, मान लीजिए आप आफ्टर मैरिड, आपका एक बेबी है जिसका मुंडन होता है। 95% लोगों को मुंडन की मीनिंग नहीं पता, कि मुंडन कहते हैं बाल्ड सेरेमनी, टकला होने की सेरेमनी। इट्स नॉट लाइक दैट। मुंडन को कहते हैं टॉन्सर। जी हाँ, एक बार ऑर्डर पिक करता हूँ, टॉन्सर सेरेमनी, टॉन्सर, TONSUR, टॉन्सर सेरेमनी, दैट इज कॉल्ड मुंडन समारोह। ओके, नेक्स्ट वन आता है गृह प्रवेश। जी हाँ, इसके बारे में लोगों को नहीं पता, तो कार्ड छपवाते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि यार इंग्लिश में कार्ड छपवाऊंगा, लेकिन नहीं छपवा पाते, दैट जस्ट बिकॉज उन्हें वर्ड नहीं पता होते। एज सिंपल, गृह प्रवेश इज कॉल्ड हाउस वार्मिंग। ध्यान रखिए, वार्मिंग नहीं, प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करिए, हाउस वार्मिंग सेरेमनी, हाउस वार्मिंग सेरेमनी, दैट इज कॉल्ड गृह प्रवेश। तो याद आता है कंछेदन और नच्छेदन। जैसे कंछेदन होता है, बहुत से लोगों को नहीं पता होता, कंछेदन इज कॉल्ड ईयर पियर्सिंग, इसको पियर्सिंग सेरेमनी, पियर्सिंग सेरेमनी कंछेदन। एज सिंपल, नोज पियर्सिंग सेरेमनी, दैट इज कॉल्ड नच्छेदन। ठीक है, ईयर पियर्सिंग सेरेमनी कंछेदन, नच्छेदन इसको नोज पियर्सिंग सेरेमनी। नेक्स्ट आता है आपका उद्घाटन। उद्घाटन कहते हैं इनॉग्रेशन सेरेमनी। आई होप ये सबको पता होता है, बट फिर भी मैंने मेंशन कर दिया क्योंकि हम सारी चीजें बता रहे थे, कोई भी चीज छूटे ना। नेक्स्ट वन आता है, जी हाँ, ये बहुत से लोगों को नहीं पता, ये होता है जब आप अपनी डिग्री पास आउट करते हैं, आप कॉलेज में, तो डिग्री पास आउट करने के बाद होता है दीक्षांत समारोह, जहां पर देखा होगा आपने सब अपनी कैप उछालते हैं, ब्लैक कलर की होती है, थ्री इडियट्स मूवी में देखा होगा। इसको बोलते हैं कॉन्वोकेशन सेरेमनी, कॉन्वोकेशन सेरेमनी, दैट इज कॉल्ड दीक्षांत समारोह। एक और मैं बताऊंगा, जब शादी से पहले पार्टी होती है, जहां जिसको बोलते हैं बैचलर पार्टी, बैचलर पार्टी सबको पता है, बट एक गर्ल की तरफ की पार्टी होती है जिसको हम बोलते हैं हेंस पार्टी। जी हाँ, हेंस पार्टी, ये ओनली फॉर द गर्ल्स होती है। जी हाँ, गर्ल्स मीन्स लाइक इसमें सिर्फ गर्ल्स अलाउड होती है, और ये शादी से पहले लड़कियां ऑर्गेनाइज करते हैं, इसको हेंस पार्टी, एज लाइक सिमिलर जैसे बैचलर पार्टी बॉयज में होती है, तो गर्ल्स में हेंस पार्टी होती है। एक और लोगों ने मुझसे कुछ बताया, रिसेंटली एक बच्चे ने पूछा था कि सर बरसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसे तेरे भी पता कि सर फ्यूनरल सेरेमनी होता है, बट एक्चुअली मैं आपको आज क्लियर कर दूं कि जो भी लाइक अगर आप किसी के फ्यूनरल में जाते हैं, कोई भी इंसान मरने के बाद, जितनी भी उसके साथ मरने के बाद जो भी चीजें होती है, जो भी चीजें हैपन होती है मरने के बाद, उसको हम फ्यूनरल सेरेमनी कहते हैं। लाइक फिर वो तेरहवीं हो, चालीसवा हो, चौथा हो, या बरसी हो, क्योंकि शादी के बाद, सॉरी मरने के बाद जो होती है वो सारी बोलते हैं फ्यूनरल सेरेमनी। मैं लिख देता हूं, That is called funeral ceremony. ध्यान रखिएगा, ये मरने के बाद कोई भी अगर फंक्शन होता है उससे रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड फ्यूनरल सेरेमनी, चाहे वर्सी हो, देवी हो, चालीसा, कोई भी।
ओके नेक्स्ट वन आता है, मैंने एक नया वर्ड देखा है, दैट इज कॉल्ड डोली। अभी कल ही मैं बच्चे को पढ़ा रहा था, उसने मुझसे पूछा सर व्हाट वी कॉल डोली इन इंग्लिश, जो पालकी होती थी कि पहले लड़कियां पालकी में डोली में बिता होती। तो हाँ इसको बोलते हैं, जी हाँ एक नया वर्ड है ये। आपने कार भी देखी हो, कार को भी कहते हैं सेडान। जी हाँ सेडान मीन्स होता है पालकी। और इसका एक वर्ड और भी वर्ड है, दैट इज कॉल्ड, ये होता है सेडान, और एक होता है पालनकिन। पालनकिन दैट इज कॉल्ड पालकी, यानी कि डोली। तो दीज आर द वर्ड्स। एंड अगर आपको थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हुई हो वीडियो में, कि हो सकता है किसी को वर्ड समझ में ना आ रहे हो, तो काइंडली यू कैन गो टू द माय फेसबुक पेज दैट अनमोल इंग्लिश। और अगर ना भी हो पाए तो कोई भी मुझे आज अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो यू कैन व्हाट्सएप मी, मैं नंबर अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एंड यू कैन मैसेज मी कि सर मुझे उसके नोट्स चाहिए, तो आई यू कैन इजिली आस्क टू मी, और मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी इसको नोट्स अपलोड कर दूंगा, और प्लस अपने फेसबुक पेज पे अनमोल इंग्लिश है। जिसको नहीं पता जो फेसबुक पे है वो जाकर इस पेज को लाइक करे, शेयर करे, और आप सारी चीजें इजिली मैं पा सकते हो। तो बहुत सारी नई नई चीजें बताता रहता हूँ, आप उसमें कोई भी वीडियो से रिलेटेड अगर अपडेट होती तो आपको चैनल पर मिल जाती है, और बाकी सारी चीजें आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत सारी नई चीजें लाऊंगा, और हो सकता है इससे रिलेटेड क्विज भी आए, और क्विज में नई नई चीजें आएंगी। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप लाइकिंग एंड कीप वॉचिंग प्लीज। आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, एंड साथ में वीडियो देखते रहें और लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। टिल देन बाय, टेक केयर, एंजॉय लाइफ, डोंट वरी, वेरी नाइस मीटिंग ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।